पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टेरर प्लान से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स नाउ भारत के पास है, बिहार के मोतिहारी से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि पीएफआई के लोगों को लाठी डंडे चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये वीडियो 2 से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। और पीएफआई अपने आतंक का प्लान देश भर में फैलाने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ भी जाएंगे कि जो कहा गया था कि ट्रेनिंग कैंप यहां पर चलाए जा रहे हैं, लाठी डंडे हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें बिहार के मोतिहारी, 2 से 3 महीने पुराना ये वीडियो है और यहां पर कई ऐसे लोग हैं और ये एसडीपीआई के झंडे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पीएफआई का विंग है, उनके झंडे भी आप देख सकते हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, बिहार से ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो आए हैं जो कुछ महीनों पहले बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ बिहार की बात होगी क्योंकि ये जड़ें अलग अलग राज्यों में यहां पर जमाई गई हैं। अब इन जड़ों को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खोदा जाएगा, क्या तैयारी है? देखिए, लगातार पीएफआई की जो भूमिका निकल कर आ रही है वो काफी संदिग्ध है। कोई भी बड़ी हिंसा हो रही है जिसमें सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है उसमें पीएफआई का नाम निकल के सामने आ रहा है और जिस तरीके से बिहार के अंदर पीएफआई पे हमला बोला गया है वो अपने में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और उसी कड़ी के अंदर ये वीडियो जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के चकिया का ये वीडियो है जहां पे रियाज और बबलू नाम का एक जो शख्स है जो लोगों को ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आप उम्र देखेंगे वीडियो के अंदर तो ये सारे जो ट्रेनिंग लेने के लिए जो लड़के आए हुए हैं वो 20 से 22 साल की उम्र के लड़के हैं, छोटी उम्र के लड़के जिनको ट्रेंड किया जा रहा है और बड़ा इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। और ये वीडियो जब पुलिस के हाथ लगा है तो पुलिस ने इसके बाद जो रियाद है उसके घर पर दस्तक दी है मोतिहारी में, लेकिन वो फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये बबलू नाम का जो शख्स है, रियाद और बबलू, इसके पहले भी कई आतंकी जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल रहा है, इसकी जो गतिविधियां वो संदिग्ध रही है, राष्ट्र विरोधी बातें करता रहा है ये। तो फिलहाल अब इसको पट्टा पुलिस का कहना है कि इसको जल्दी इसको रडार पे लिया जाएगा और वो उनकी रडार पे और जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि ये बेहद जरूरी है। मोहित, ये बेहद जरूरी है, सही कहा आपने।